जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप हैं नरेंद्र के साथ सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, कल्पना कीजिए कि यदि आप किसी ऐसी घोर विपत्ति में, किसी ऐसे घोर संकट में फंस जाते हैं जिसके लिए आप अब स्वयं को विकल्प विहीन पाते हैं, कोई आपके पास विकल्प ही नहीं बचता है अपनी सहायता के लिए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? प्रभु के यदि आप भक्त हैं तो निश्चित ही प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, तब जो आपकी पुकार हृदय से, सच्चे हृदय से निकलेगी वह होगी आपकी करुण पुकार, और उस पुकार को सुनते ही ईश्वर प्रभु आपके लिए सहायता के लिए तुरंत ही दौड़ कर आएंगे। वो फिर नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि वो जो पुकार है वह हृदय की सच्चाई से कातर पुकार होगी, और ऐसे में ही प्रभु के वो आपके दर्शन हो जाते हैं, प्रभु आपके सामने आ जाते हैं और आपको उस संकट से निकालते हैं, और आपको इस अनुभव का पता बाद में लगता है कि प्रभु स्वयं आए थे आपको उस संकट से उबारने के लिए। फिर आपका अनुभव कैसा होगा? क्या उस संकट को आप संकट कहेंगे या यह कहेंगे कि वह संकट आपके लिए अच्छा था, वो जो अनुभव था वह अच्छा हुआ? कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। आइए अब चलते हैं इस वीडियो की सच्ची कहानी पर, जो है भक्त नीलांबर दास की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीलांबर दास के हृदय में वह चित्त चोर नंदलाल मुरलीधर बस गए थे। घर पर स्त्री थी, पुत्र थे, भरा पूरा कुटुंब था, धन था, मान प्रतिष्ठा थी, किंतु जब वह चित्त चोर किसी के चित्त को चुरा लेता है तब ये ही संसार के सुख, जिनके लिए लोग दिन रात हाय हाय करते हैं, अनेक पाप करते भी नहीं हिचकते, उसे विष जैसे लगते हैं। नीलांबर दास का भी भाग्योदय हुआ था, उनका हृदय भी उस हरि ने चुरा लिया था। घर द्वार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान प्रतिष्ठा सबको तृण के समान त्याग कर, सबसे पिंड छुड़ाकर वे उत्तर प्रदेश से श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। नीलाचलनाथ के दर्शन की प्यास उनके प्राणों को जाग उठी थी, उनके प्राणों में जाग उठी थी। मुख से हरि हरि कहते, मन से हरि का ध्यान करते, वे मतवाले की भांति चले जा रहे थे। अनेक पर्वत, नदी, नाले, वन, नगर पार करते नीलांबर दास गंगा किनारे पहुंचे। वर्षा की ऋतु बड़ी हुई, भगवती भागीरथी की धारा, न कोई ग्राम न घाट, संध्या हो चुकी थी। नीलांबर दास गंगा तीर पर उस निर्जन स्थान में बैठकर भजन करने लगे। थोड़ी देर में उधर से एक मल्लाह जाल लिए मछली मारता नौका पर निकला। नीलांबर दास ने उसे पुकारा, अरे भाई, कृपा करके इस ब्राह्मण को उस पार उतार दो, तुम जो मांगोगे वही दूंगा, भाड़े के लिए चिंता न करो। मल्लाह को लगा कि यात्री के पास धन है, अच्छा शिकार फंसा समझकर वह नौका किनारे ले आया। नीलांबर दास प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए नाव में बैठ गए। सूर्यदेव छिप चुके थे, अंधकार बढ़ता जा रहा था। नीलांबर दास नौका पार लगाने की शीघ्रता कर रहे थे, पर यह देखकर कि मल्ला उनकी बात सुन ही नहीं रहा है, वह धारा में नाव को बहाए ले जा रहा है, उन्हें तनिक संदेह हुआ। वे बोले, भाई तेरा मतलब क्या है? क्या तू मुझे मार डालना चाहता है? अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि श्री जगन्नाथ जी के यात्री को तू कैसे मारता है। मल्ला ने कहा, मेरा मतलब समझने में तुम्हें अब देर नहीं लगेगी, तुमको यदि किसी को याद करना है तो कर लो, मैं तुम्हें अभी नीलाचल पहुँचा देता हूँ। इस निर्जन प्रदेश में बड़ी गंगा के बीच यात्री को मारकर फेंक देना और उसका धन छीन लेना, यह बड़ा सरल काम था। मल्लाह पहले से इसीलिए नौका पर बैठा कर यात्री को ले आया था। अब नीलांबर दास ने घबराकर भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। एक बार श्री जगन्नाथ के दर्शन होने पर भले ही प्राण चले जाएं, पर उन रथारूढ़ नीलाचलनाथ के दर्शन अवश्य हों, इस विपत्ति से वे दयामय ही ब्राह्मण को बचा सकते हैं। जब कोई सर्वथा असहाय होकर भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। वे जगन्नाथ एक राजपूत का वेश धारण करके किनारे पहुंचे और उन्होंने पुकारा, अरे ओ मल्लाह, नाव किनारे ले आ, यदि तुझे मरने की इच्छा न हो तो चल आ झटपट इधर,
मल्लाह की तो नानी मर गई। भय से थरथर कांपने लगा वह, लेकिन नाव को वह बहाव में बहे ही ले जा रहा था। जब उसने दूसरी पुकार पर भी ध्यान न दिया तो एक वाण खट से आकर नौका में घुस गया और किनारे से शब्द आया, अब की बार नाव पर बाण मारा है, अब यदि तू इधर नहीं आया तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। मल्लाह भय के कारण सफेद पड़ गया, उसने नौका किनारे की ओर मोड़ी। मल्लाह बहुत अधिक भयभीत था और उसी भय में वह धीरे धीरे नौका को ले जाकर किनारे पहुंचा देता है। उधर नीलांबर दास तो बहुत अधिक प्रसन्न थे और राजपूत को देखकर तो और भी अधिक प्रसन्न हुए। किनारे पहुंचने पर राजपूत ने उसे डांटा और वे ब्राह्मण से बोले, मैं लुटेरे हथियारों से यात्रियों की रक्षा करने के लिए ही इधर घूमा करता हूँ। मैंने यह वेश पीड़ितों की रक्षा के लिए ही धारण किया है। ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया, कृतज्ञता प्रकट की और श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए शीघ्र गंगा पार होने की इच्छा व्यक्त की। राजपूत ने मल्लाह को डांट कर कहा, इन ब्राह्मण देवता को झटपट उस पार उतार दे, अभी मेरे सामने इन्हें उस पार उतार, तनिक भी इधर उधर किया तो मेरा धनुष देखे रहे। मछुए को तो प्राणों के बचने की आशा ही नहीं थी, अब उसे कुछ धैर्य हुआ। वह अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगता हुआ उठा और नीलांबर दास को नौका में बैठा कर उसने तुरंत पार उतार दिया। उस मछुए का मन बदल गया था, उसे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप था। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा, उसे आशीर्वाद देकर नीलांबर दास पुरी की ओर चल पड़े। भगवान जगन्नाथ बलराम जी तथा सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान हैं। लाखों भक्तों का समूह जय जयकार कर रहा है, चारों ओर कीर्तन जय घोष और आनंद ही आनंद है। पुरी पहुंचने पर नीलांबर दास को भगवान की इस झांकी के दर्शन हुए। वे शुद्ध से होकर भगवान के रथ के सामने सष्टांग प्रणाम दंडवत करते गिर पड़े। लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाना और मार्ग से हटाना चाहा, पर अब नीलांबर दास को कौन हटा सकता था, वे तो श्री जगन्नाथ से एक हो गए थे। मार्ग में तो उनका देह पड़ा था, जिसे भक्तों ने कीर्तन करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दिया। जगन्नाथपुरी में अब तक उनके इस दुर्लभ मरण की महिमा गाई जाती है। प्रिय भाई बहनों, यदि आपने आध्यात्मिकता का वह मार्ग चुन लिया है जिस पर आनंद पूर्वक चलते हुए प्रभु के सीचरणों की प्राप्ति निश्चित है, फिर जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को, किसी प्रकार के दुखों को जीवन में आने से अपने आप को विचलित मत होने दीजिएगा, क्योंकि प्रभु, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब तक प्रभु हमारा शुद्धिकरण पूर्णतः नहीं कर लेते हैं तब तक हम कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कष्टों का आना भी प्रभु का शुभ संकेत है, कल्याणकारी मार्ग बनाना ही है। प्रभु हमारा मंगल ही करेंगे, हमें दुख देकर भी वह हमारा सुख ही चाहते हैं। अतः कभी भी निगेटिविटी अपने अंदर न लाएं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चलते हुए कभी भी यह न सोचें कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना स्मरण ध्यान करता हूँ, प्रभु की इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना दुख दर्दता रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्म फलों का नाश नहीं हो जाता, तब तक हमें पूर्णतः प्रभु के सीचरणों की प्राप्ति और उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अतः किसी भी प्रकार की कठिनाई से विचलित ना हो, प्रभु को मानसिक साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं यह विनती करता हूँ कि मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, यदि जीवन के आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल पड़े हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के दुख यदि उनके इस पथ में हों उनके शुद्धिकरण के लिए, तो उन्हें उतनी क्षमता अवश्य दें, साथ ही साथ मेरा भी ध्यान रखें। ऐसा न हो कि मैं प्रभु मुझे यहाँ से विचलित कर दें और भक्तों को उस पथ पर ला दें, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यदि किसी प्रकार की त्रुटि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान हुई हो, उसके लिए भी मुझे क्षमा करने की कृपा करें। अगले किसी वीडियो में प्रभु के साथ, प्रभु के ध्यान स्मरण के साथ अपने सभी प्रिय दर्शकों के लिए कोई नई सच्ची सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।